यहाँ तक तो मिडिल पॉइंट है, क्लच काम ही नहीं करेगा क्योंकि इतना फ्री रहता है। अब यहाँ से ऐसे छोड़ेंगे धीरे। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है केके ड्राइविंग स्कूल चैनल पर। चलिए आज हम आप लोगों को बताएंगे क्लच कंट्रोल, गाड़ी को खोल लेना है और बैठ जाना है। ये कार हो जाती है अपनी, ये क्लच पैडल हो जाते हैं ए बी और ये सी। ये सिर्फ क्लच स्पायर से मैनेज किया जाता है और एक्सेलेटर और ब्रेक स्पायर से राइट वाले से मैनेज किया जाता है। चलिए अच्छी तरीके से आपको बता रहे हैं कि कैसे क्लच कंट्रोल करना है, कैसे गाड़ी को उठाना है, कैसे क्या करना है। वीडियो पूरी देखेगा, आज के बाद आपसे कोई भी गाड़ी हो बंद नहीं होगी। तो चलिए वीडियो बने रहिएगा। तो सबसे पहले ये हो जाती है अपनी की, ओपन करना है और इसको लगा लेना है। एक दो, इग्निशन ऑन हो जाएगा बटन से, आवाज बंद कर दिया और ये हो जाता है अपना गियर लीवर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर फाइव और ये रिवर्स। ठीक है, हैंड ब्रेक लगा होगा। तो सबसे पहले क्लच के बारे में समझते हैं अच्छी तरीके से, कैसे आपको इसको यूज करना है। हैंड ब्रेक आपका लगा रहना चाहिए और देखिए गाड़ी इस समय ढाल पे खड़ी है क्योंकि आगे हल्का सा ऊंचा है पुलिया टाइप का, वरना गाड़ी पीछे जाने लगेगी। तो ठीक, एक क्लच पैडल हो गए, सबसे पहले क्लच दबा लेना है और तभी गाड़ी स्टार्ट होगी। और बिना क्लच दबाए गाड़ी क्यों नहीं स्टार्ट होगी, देखिए गियर भी इसमें पड़ा है तब भी नहीं स्टार्ट होगी। देखिए हम स्विच चाबी ऑन कर रहे हैं, नहीं हो रही। गियर न्यूट्रल भी कर देंगे तब भी नहीं गाड़ी स्टार्ट होगी, ये समझ लीजिएगा, वरना कभी आप देख सकते हैं गाड़ी नहीं स्टार्ट होगी। जब तक आप क्लच पैडल पे लात नहीं रखोगे तब तक नहीं स्टार्ट होगी। देखिए क्लच से ही गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, जैसे हम क्लच पे पैर रखेंगे तब स्टार्ट होगी। देखिए क्लच दबाया, ये कार स्टार्ट होगी। अब ये गाड़ी न्यूट्रल है और अपना एक क्लच दबा हुआ है, तो देखिए न्यूट्रल है। अब कैसे इसको यूज करना है, सबसे पहले देखिए इसको दबा लिए हम और यहाँ पे फर्स्ट गियर लगा दिए, हैंड ब्रेक अपना लगा हुआ है। तो देखिए यहाँ तक हम छोड़ लाएंगे इसको, देखिए अब गाड़ी पे हल्का लोड पड़ा, यहाँ से हैंड ब्रेक इसका काट देंगे। देखिए गाड़ी पीछे नहीं जा रही, बिल्कुल स्थायी खड़ी, वरना पीछे जाने लगती। अब देखिए क्लच एकदम हल्का हल्का सा छोड़ेंगे, अभी देखिए जीरो की स्पीड है क्योंकि गाड़ी चल नहीं रही। अब देखिएगा हल्का हल्का एकदम छोड़ेंगे, देख सकते हैं ये गाड़ी पे लोड पड़ा और गाड़ी ये चलने लगी, छोड़ दिया चलने लगी बिना एक्सीलेटर के। देख सकते हैं फर्स्ट गियर पड़ा है और 8-9 की स्पीड, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा चढ़ाई है तो 8 है, भी हल्का जैसे ढाल पाएगी बिना रेस के। देखिएगा स्पीड बढ़ जाएगी, 7 होगी, देखिए बढ़ जाएगी क्योंकि यहाँ से अब ढाल स्टार्ट होगी। देख सकते हैं ये देखिए 9 होगी ना, 7 के बाद 9, ये ऐसे। फिर सेकेंड गियर डालना है, देखिए ये दबाया और ये सेकेंड गियर लगा दिया और देखिए यहाँ तक तो मिडिल पॉइंट है, क्लच काम ही नहीं करेगा क्योंकि इतना फ्री रहता है। अब यहाँ से ऐसे छोड़ेंगे धीरे धीरे से, धीरे धीरे से रेस पर कर लिया, गाड़ी लॉक हो गई सेकंड गियर में। जैसे 16 की स्पीड हुई, सीट बेल्ट तुरंत मांग लेगी। आप फर्स्ट गियर में प्रैक्टिकल करेंगे तब तक नहीं मांगेगी, जैसे सेकंड गियर में डालेंगे 15-20 की स्पीड होगी वैसे गाड़ी अपने आप लॉक हो जाएगी और सीट बेल्ट की बीप आने लगेगी। चलिए नेक्स्ट स्टेप बताते हैं। अब देख सकते हैं दूसरा स्टेप, हैंड ब्रेक अपना कटा हुआ है, गाड़ी न्यूट्रल हुए और ये ब्रेक पे पैर रखे हैं। या गाड़ी इस समय बराबर में खड़ी है तो आगे पीछे नहीं जाएगी, जैसे ढाल में होगी तो इसको दबाना पड़ेगा आपको, वरना जैसे क्लच आप लेंगे ठीक है तो गाड़ी आगे या पीछे जाने लगेगी। तो देख सकते हैं दूसरा स्टेप, गाड़ी अपनी न्यूट्रल है और हैंड ब्रेक भी कटा हुआ है। ठीक है, अब इस जगह पे गाड़ी को कैसे रोकना चाहिए, देखिए ब्रेक और क्लच दोनों दबे रहने चाहिए क्योंकि जब गाड़ी बढ़ाना है तो ये करके लेफ्ट ले जाके फर्स्ट गियर लगा देना है अपना, क्लच ब्रेक दोनों दबे हैं, हल्का सा ब्रेक पर से पैर हटा के हल्का हल्का क्लच दोनों साथ में ऐसे छोड़ना है। ठीक, अपनी गाड़ी ये बढ़ने लगी, गाड़ी पे लोड पड़ा, बिना रेस लिए गाड़ी बढ़ जाएगी। ये टियागो है पेट्रोल, ठीक है, ये देखिए अपनी गाड़ी बढ़ गई, चलने लगी, रोकना है क्लच ब्रेक, रुक गई गाड़ी, फिर से छोड़ना है, फिर से दोनों साथ में ही छोड़ दो क्योंकि क्लच का मिडिल पॉइंट थोड़ा ये है, ब्रेक का पास में ही बस छुओ हो जाता है। देखिए ब्रेक पर से पैर हटा अपना, ये कार उठ गई चलने लगी। और सेकेंड गियर में भी यही स्टेप करना है, क्लच दबाए सेकेंड गियर डाल लिया और देख सकते हैं क्लच पर से पैर हटाए, सेकेंड गियर पड़ के चलने लगी गाड़ी। ओके, यही स्टेप अपनाना है। ये क्लच कंट्रोल बता रहे थे, अगर आप न्यू हैं तो यही स्टेप अपना सकते हैं। देखिए एक बार और बता रहे हैं आसानी से, अगर आप न्यू हैं कभी गाड़ी नहीं चलाए हैं तो आपको यही बस 2 बार चाबी ऑन करना है, जब तक ये जीरो ना हो जाए फिर से स्पीड तब तक स्टार्ट नहीं करना, स्टार्ट होगी और क्लच दबा के गाड़ी स्टार्ट होगी, बिना क्लच दबा के गाड़ी नहीं स्टार्ट होती, जब क्लच दबाओगे तभी स्टार्ट होगी, गियर पड़ा हो या न्यूट्रल हो, जबकि हमारी गाड़ी न्यूट्रल है बिना क्लच के नहीं स्टार्ट होगी। देख सकते हैं क्लच और ब्रेक और गियर साथ में ही दिखा रहे हैं, देख सकते हैं ये फर्स्ट गियर लगाया और अपना ये पैर देखिए रेस पे नहीं रखेंगे, और हैंड ब्रेक अपना कटा हुआ है, फर्स्ट गियर लगा हुआ है, देखिए
बिना रेस के, फर्स्ट गियर पड़ा हुआ है, गाड़ी ऐसे उठने लगी। आप ऐसे ही चलाइएगा, अगर न्यू होगा तो आप ऐसे ही चला लीजिएगा, खतरा के भी चांस कम पड़ जाते हैं। देखिए ये फर्स्ट गियर स्पीड 10-9-8 हो जाती है और ये क्लच पर से पैर हटा लिया, देख सकते हैं ना, रेस ना कुछ, और ये गाड़ी चलने लगी। और यहाँ पे क्लच फिर से फुल दबाना है और सेकेंड गियर लगा लेना है और धीरे धीरे से क्लच छोड़ना। देखिए बिना रेस के देख सकते हैं, बिना रेस के ये देख सकते हैं, बिना रेस के गाड़ी उठ गई और सेकेंड गियर पड़ा है, और मीटर में भी देख सकते हैं सेकेंड गियर पड़ा है। तो इस तरीके से सेकेंड गियर तक जब चलाएंगे, तो जब एक दिन चलाएंगे तो थर्ड में भी जा सकते हैं दूसरे दिन। और ये अपना क्लच दबा, बिना रेस के थर्ड गियर लगाया और धीरे धीरे से क्लच छोड़ा, और देखिएगा अभी गाड़ी चलने लगेगी। सामने से ट्रक आ रहा, तो अपना स्टेयरिंग कंट्रोल पे भी ध्यान रखना है। और ये अपनी गाड़ी इस तरीके से निकाल लेना, देख सकते हैं थर्ड गियर 24 की स्पीड और बिना एक्सेलेटर लिए हुए गाड़ी चल रही है, 26 की स्पीड आराम से चला सकते हैं। इतने में स्टेयरिंग कंट्रोल भी आपका तीसरे गियर तक सही रहेगा, अगर आप न्यू हैं, अगर आप एक्सपीरियंस ड्राइवर हैं तो आप चला सकते हैं, वरना आप आराम से चला सकते हैं। यहाँ पे जैसे कंट्रोल भी करना है तो आप सबसे पहले बहुत आसानी से कंट्रोल सकते हैं। बीच वाला मिरर देखिएगा और साइड मिरर देखिएगा, और ये अपना साइड मिरर देख लीजिएगा। तीनों मिरर देखने के बाद पीछे कोई आ तो नहीं रहा, जैसे देखेंगे तो ऐसे कुछ कंट्रोल करना। देखिए 22 की स्पीड चले, हमने बीच वाला मिरर देखा, पीछे कुछ नहीं है, देखिए बस क्लच ब्रेक, गाड़ी स्टॉप होगी, देख सकते हैं 0 की स्पीड आराम से रुक सकती है। लेकिन ये वाला जो मिरर होता है जरूरी से देखना, क्योंकि देख सकते हैं इसमें पीछे की जितनी भी गाड़ियां हैं कोई भी गाड़ी मतलब नहीं आ रही, और वो साइड मिरर क्लेंजर साइड और ये ड्राइवर साइड सब देख लेना है, तब ब्रेक लगाना। ऐसा नहीं कि एकदम से मारा ब्रेक और पीछे वाला जो हो आपके कार में ही ठोक दे आके। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई भी टॉपिक हो, अगर जिस चीज का नॉलेज आपको नहीं है तो आप कमेंट कर दीजिएगा और हम उस पर वीडियो बना देंगे। तो अपनी कार चलने लगी आसानी से, देख सकते हैं बढ़िया। तो बाय, लव यू, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।